काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानियों की जबरदस्त फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, गोलीबारी के बाद एयरपोर्ट के बाहर भगदड़ मच गई है। भगदड़ में दो बच्चों के साथ एक महिला को लोगों ने कुचल दिया है। विजुअल्स प्ले करें सीधे। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए हजारों की संख्या में जुटे हुए थे लोग, अफगानियों को काबुल छोड़ने से रोक रहे थे तालिबानी। ये तस्वीरें आपके सामने, विजुअल्स प्ले करें। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा हमारी ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा सुमित, क्या क्योस है ये एयरपोर्ट पे, हो क्या रहा है ये एयरपोर्ट, किसके अंडर में अभी, देखिए अमेरिका या तालिबान या क्या मामला क्या है, व्हाट इज रॉन्ग? देखिए निशान, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूरा जो एयरपोर्ट है वो तीन पेरिफेरी में बटा हुआ है। जो लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं ये आउटर पेरिफेरी की है, यानी यहाँ से मेन गेट शुरू होता है, तीन से चार गेट हैं, उसके बाद पार्किंग एरिया, फिर उनका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है, और उसके बाद आपका जो सबसे दूसरी तरफ है वो बगराम, या फिर आप कह सकते हैं उसको टेक्निकल एयरपोर्ट उनका जो है। अभी जो तस्वीरें हैं यानी जो बाहर का पेरिफेरी है ये पूरी तरीके से तालिबान के हाथ में, और इसी दीवार के साथ से ही शुरू हो जाता है अमेरिकी सोल्जर्स का पूरा कॉर्डन, और यहीं से अमेरिकी सोल्जर्स पूरी तरीके से मॉनिटर करते हैं। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि दीवार पर अमेरिकी सोल्जर जो हैं वो चढ़े रहते हैं। दरअसल दीवार के उस तरफ पूरा अमेरिका का कंट्रोल है, लेकिन बाहर की तरफ अफगानिस्तान में खासतौर पे तालिबान की चेक पोस्ट हैं, तालिबान के जो लड़ाके हैं या तालिबान के जो अपने अपने लोग हैं वो वहां पर लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं या फिर उनको उनको लगातार तितर बितर कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।